जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं इस प्रकार से कि वो आपके अंदर तक हिला देती हैं, और कॉन्शियसनेस माइंड और सब कॉन्शियसनेस माइंड यानी वो घटनाएं आपकी सेव मेमोरी के अंदर चली जाती हैं, दिमाग की यानी गहरे तल तक चली जाती हैं। जिस प्रकार से आप अपनी कुछ फोटो फोन से उठाई और उसको अंदर इस तरह से सेव कर दें कि वो गहराई तक चले जाए, वो कभी भी डिलीट ना हो, तो वो शारीरिक तल को छूते हुए मानसिक तल को, बौद्धिक तल को और बुद्धि की इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि झिंझोड़ देती हैं जीवन को, और वो चीज वहां छप जाती है। जब भी इस प्रकार की घटना कहीं भी होगी, आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, तो वो घटनाएं वहां उस सबकॉन्शियसनेस माइंड से उठ करके आएंगी और फिर आपके सामने स्थिति उत्पन्न कर देंगी और आपको भावनात्मक रूप से अंदर से फिर वही हालात फिर झिंझोड़ देंगे। ऐसे खतरनाक हालात हो जाते हैं कि आप सोते हुए एकदम से अगर गहराई में गए ना, कि उस तल के, कई बार क्या होता है ध्यान में तो गहराई में जाते ही हैं, इसके साथ साथ नींद की गहराई में भी जाते हैं। जब नींद के गहरे तल में जाते हैं तो उस वो घटनाएं फिर छू जाती हैं, फिर एकदम से हड़बड़ा करके उठते हैं, पसीना आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या दिख गया, क्या हो गया, कहीं फिर ऐसा क्या है ये, फिर थोड़ा होश आता है, फिर आप उस चीज से फिर उठते हैं। ये इस प्रकार की घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में बार बार रिपीट होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं, और आप इसको माइंड से नहीं हटा पाते। इस ये किस प्रकार से हटेगी ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी, तो ये हटेगा कैसे? किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है, ना साइंस में इस चीज का जवाब है, जो होते डॉक्टर दिमाग के, ना उनके पास जवाब है कि वो कैसे हटाएं, क्या करें, क्या ना करें। बस आपको समझा देंगे, मैं भी बोल दूंगा आपको कि पीछे की घटनाएं छोड़ दो, जीवन को आगे बढ़ाओ, भूल जाना चाहिए, आगे का ध्यान करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, आगे घटनाएं नहीं हुई इस प्रकार की, तो ये समाधान तो नहीं हुआ ना, ये तो बस एक मानसिक रूप से कि इसको थोड़ा सा समझा दो, इसके मजबूत हो जाएगा कि पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाएगी, थोड़ी बातें सुनेगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर, थोड़ा और विचार घुसेंगे, सोचेगा थोड़ी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए ये शांत हो जाएगा, लेकिन परमानेंट तो इसका समाधान नहीं हुआ ना। और लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन के बिना ये चीजें खत्म नहीं होती। सबसे पहले एक बात समझो कि मानव का जीवन हो चाहे किसी भी जीव जंतु का जीवन हो, ये सब कुछ कर्म के आधार के ऊपर चलता है, कर्म के आधार के ऊपर चलता है। कर्म के आधार के बिना न कोई घटनाएं होती हैं, न ही कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो हमारे जो अनंत अनंत जन्मों के कर्म हैं वो इनमें शामिल होते हैं। हम लोग ना उन घटनाओं को रोक पाते हैं, हम ना उन घटनाओं के ऊपर प्रभाव कर पाते हैं, ना उनको भूल पाते हैं। कारण क्या है कि कुछ लोग अपने आप को कि मेरे कारण हो गया, उसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, नहीं, ये किसी के भी कारण नहीं होता, ये कर्मों के कारण से, संस्कारों के कारण से, प्रकृति के नियम से, परमात्मा की मर्जी से, ये सब चीजें एक साथ मिल करके तब ये इस प्रकार की भयानक से भयानक घटनाएं होती रहती हैं।
तो इससे जब आपको ये थोड़ी थोड़ी समझ आने लगेगी कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब आपको ये सोचना है कि ये फिर जो हमारे गहरे तल तक चला गया इसको कैसे निकालें। इसका एक ही तरीका है, आप वहां तक जाएं जहां तक ये घटना घटी है, उस बौद्धिक तल तक जाएं, वहां तक खोज करें और उस ध्यान के द्वारा या और किसी विधि के द्वारा या किसी भी प्रकार से आप उस तल को छुएं। उस तल को छूने के बाद फिर आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि आप कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे और जो हमारे सिद्ध हैं उनके पास कि क्या कारण था, क्या हमारा कर्म था, क्या ये टाली जा सकती थी, नहीं टाली जा सकती थी, घटनाएं बदली जा सकती थी, कैसे क्या हुआ, वो इन रहस्यों को समझाएंगे और आप ध्यान के द्वारा उस तल को छू करके और आगे बढ़ोगे तो वो तल नीचे रह जाएगा। जब वो नीचे रह जाएगा तो वो धीरे 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 वो कमजोर होता चला जाएगा और जो छाप पड़ी हुई है वो जिस प्रकार से फर्श के ऊपर कोई दाग लगा हो तो हर रोज उसके ऊपर को सफाई करेंगे सफाई करेंगे सफाई करेंगे हर रोज करेंगे तो एक न एक दिन एक न धीरे 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 वो कमजोर होकर के समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये सबकॉन्शियसनेस माइंड से जब आप ऊपर उठ जाओगे वो यहाँ रह जाएगा वो यहाँ, तो अपने आप धीरे धीरे उसकी कमजोर छवि होने लगेगी और धीरे धीरे जब आप उस तल को छू करके हटा दोगे तो ये घटनाएं रहस्य समझ में आ जाएगा, अपने आप उस चीज से बाहर निकल करके अपने आप को कारण ना मान करके इस प्रकृति कर्म विधान को उस परमात्मा के बनाए हुए सत्य को स्वीकार कर लोगे तो ये चीजें अपने आप अंदर से समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो ना कोई दूसरा रास्ता है, ना कोई दूसरा रास्ता इस संसार के अंदर हो सकता है।